हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक्स पार्क ट्रेडर्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताएंगे जो कि गिरी हुई मार्केट में खरीद कर आप भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी मार्केट में आई इस भारी गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जानते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है दीपक नाइट्राइट, जो 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दीपक नाइट्राइट एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फाइन केमिकल्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है। ये कंपनी पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज तक अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है और ना ही आने वाले समय में करेगी। हमें इसके फंडामेंटल्स पर पूरा भरोसा है, आप इसे CMP पे बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने आज के लिए चुना है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। डिक्सन आज इतनी बड़ी गिरावट के बाद 4700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। डिक्सन कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो LEDs, TVs, वॉशिंग मशीन, LED बल्ब, मोबाइल फ़ोन जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इस CMP पे इसे ज़रूर बाय करें। और तीसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो है ME ऑर्गेनिक, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हाल ही में लिस्टेड हुई कंपनी है और स्टॉक 960 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ईजिली इस लेवल से रिकवर होकर 1200 के लेवल्स को टच करेगा, वो भी बहुत ही कम समय में। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है और नए केमिकल्स और फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये स्टॉक हमें बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, वो भी सिर्फ मार्केट में आई हुई गिरावट के कारण, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस फ्रेश बायर्स भी इसे ज़रूर बाय करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।